जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। आपको पता होगा कल मुकेश जाट की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन दोस्तों यहां पर आप बताना चाहूंगा, सबसे पहले कल हाई कोर्ट में दो केसों की सुनवाई हुई थी, दो रीट विद्यार्थियों द्वारा लगाई गई थी, एक तो मुकेश जाट द्वारा और एक दूसरी रीट थी। तो दोस्तों आपको पता होगा कल मैंने आपको जो दूसरी रीट थी मुकेश जाट वाली याचिका के अलावा, उसमें क्या फैसला रहा हाई कोर्ट का, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन दोस्तों ये बात आपको अभी तक नहीं पता होगी कि मुकेश जाट की याचिका पर कल हाई कोर्ट में क्या फैसला हुआ, तो दोस्तों उसमें एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मुकेश जाट की याचिका पर हाई कोर्ट ने कल क्या आदेश दिए हैं और हाई कोर्ट का क्या फैसला रहा है, और सरकार से, डीजीपी से, गृह सचिव से जवाब मांगा था हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को, उसमें सरकार ने क्या जवाब दिया, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और यकीनन बहुत ही बड़ी खबर हम इसे कह सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले यहां पर आपको दोस्तों वीडियो लाइक कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये खबर मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा रहा हूं। और दोस्तों वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो आपको इसे दबाना है, जैसे आप इसे दबाएंगे ब्लैक हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा एक बेल आइकन, अब आपको इस बेल आइकन को भी ऑन कर देना है, फिर राजस्थान पुलिस से जुड़ी पल पल की अपडेट सबसे पहले आपके अपने चैनल स्टडी जॉब लाइन पर आपको मिलती रहेगी। अब दोस्तों बात आती है खबर की, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दूं न्यूज़पेपर की एक खबर है। जी हां दोस्तों, दैनिक भास्कर अखबार की खबर है, आप इसमें यहां पर देख सकते हो दोस्तों, कांस्टेबल भर्ती 2018 हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने जवाब पेश किया, 17 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सरकार ने माना 12 और कोटा में पहली पारी में बटा दूसरी पारी का पेपर। सबसे पहले दोस्तों आपको यह दिखाता हूं कि याचिका किसकी है, यानी मुकेश जाट की या फिर किसी अन्य की। तो दोस्तों इस खबर में यहां पर बताया गया है, आप देख तो यह अंतरिम निर्देश मुकेश जाट व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया हाई कोर्ट ने। तो दोस्तों मुकेश जाट वाली जो याचिका है उसकी एक खबर है, पूरी खबर की बात आपको स्टूडियो में एक मिलने वाली है कि कल हाई कोर्ट में क्या हुआ और अब आगे 17 तारीख को क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहां बताया गया है कि सरकार ने मान लिया है कि 12 और कोटा में पहली पारी में बटा दूसरी पारी का पेपर, यानी सरकार ने अपनी गलती है वो कबूल की है। और दोस्तों यहां पर खबर में बताया गया है कि पहली पारी में दूसरी पारी का पेपर खुल गया था, राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में सोमवार को जवाब पेश किया है और 12 कोटा में पेपर लीक, यहां पर गड़बड़ी होने की सामने पेपर में पुलिस ने यानी सरकार ने ये बात कबूल की है। और दोस्तों यहां पर ये बताया गया है कि अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी, और यहां पर बताया गया है देखिए दोस्तों यहां पर कांस्टेबल भर्ती 2018 से जुड़े सभी मामलों को यहां पर एक साथ सूचीबद्ध कर दिया गया है, यानी दोस्तों जो अनेक याचिकाएं लगाई गई थी उन सभी को एक साथ सूचीबद्ध कर दिया गया है और 17 तारीख को यानी 17 अगस्त को उन सभी के ऊपर एक साथ फाइनल फैसला आने वाला है। अब ऐसा नहीं होगा कि एक याचिका की सुनवाई अलग तरीके से चल रही है, दूसरी याचिका की सुनवाई अलग तरीके से चल रही है, अब सभी का फैसला 17 तारीख को आने वाला है। हाई कोर्ट में सरकार ने जवाब पेश कर दिया है कि हां यह गड़बड़ी हुई है, हम यह बात मानते हैं, गलती कबूल करते हैं, यहां पर 2 सेंटर पर यह गड़बड़ी देखने को मिली है। अब दोस्तों 17 तारीख का दिन बहुत ही बड़ा दिन होगा, उस दिन सुनाएगा हाईकोर्ट अपना फाइनल फैसला, और दोस्तों देखते हैं अब 17 तारीख को हाई कोर्ट का क्या फैसला आता है। यह फैसला आएगा कि एग्जाम दोबारा करवाओ जहां पर पेपर लीक हुआ है, या फिर यह फैसला आएगा कि कुछ नहीं होगा, चल जाएगा, नेट बंद होने के कारण पेपर है वो वितरित नहीं हुआ। दोस्तों इस खबर में ऐसा ही बताया गया है, सरकार ने ये साथ साथ यह भी कहा है कोर्ट से कि नेट बंद किया गया था इसीलिए वो पेपर है वो वायरल नहीं हुआ और वो सर्कुलेट नहीं हुआ अन्य सेंटर्स पर, सिर्फ उन 2 सेंटर के ऊपर ही गड़बड़ी देखने को मिली है, इसलिए इससे पेपर लीक मानकर पेपर एग्जाम दोबारा नहीं करवाए जा सकते। लेकिन दोस्तों अब फाइनल फैसला तो यहां पर हाई कोर्ट का होगा 17 तारीख को, उस दिन देखते हैं यहां पर आपको दूसरी एग्जाम के लिए तैयार रहना है या नहीं रहना, वो बात आपको दोस्तों 17 अगस्त को पूरी बात पता चल जाएगी। और दोस्तों ये खबर मैं आपको सबसे पहले उपलब्ध करवा रहा हूं कि मुकेश जाट की याचिका के ऊपर हाई कोर्ट ने कल क्या आदेश दिए, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक तो बनता ही है। और दोस्तों आपके लिए अच्छी खबर यह है कि सरकार ने गलती मान ली है और अब 17 तारीख को हाई कोर्ट का इसके ऊपर फाइनल फैसला आने वाला है। दोस्तों लास्ट में एक बार फिर से कहूंगा, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करना ताकि ये खबर सभी तक फैल जाए और सभी को ये खबर मिल जाए। और दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी इस मुद्दे के ऊपर क्या राय है, आप क्या चाहते हैं, एग्जाम दोबारा हो या एग्जाम दोबारा न हो। और दोस्तों ये खबर आप दैनिक भास्कर के बारे में जाकर पढ़ भी सकते हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद।